एवरीवन, दिस इज नीता एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू निट्स लाइफस्टाइल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे DIY एंड होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं और आज का वीडियो जो है वो DIY है। आज के वीडियो में आपके साथ में 3 DIY प्लांटर शेयर करूंगी जिसे बनाना बहुत ईजी है और साथ साथ आप उसे बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी आपके साथ में शेयर करूंगी, लेकिन आपको पार्ट 1 पसंद आएगा उसके बाद ही। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको DIY एंड डेकोर से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा अपकमिंग नोटिफिकेशन के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लांटर बनाने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके का प्लास्टिक पॉट का यूज़ करेंगे। मेरे पास में 3 एक्स्ट्रा पॉट था तो उसी से हम कुछ खूबसूरत सा प्लांटर बनाएंगे। अभी तो ये बहुत गंदा है तो सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे और अब ये वॉश हो चुका है तो चलिए फटाफट से DIY करते हैं। फर्स्ट प्लांटर बनाने के लिए हमें चाहिए जूट थ्रेड, इस तरीके का वाइट लेस और कुछ ये डेकोरेटिव आइटम। इसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर इसे हम दरवाजे में लटकाने के तौर पे यूज़ करते हैं घर पे। तो सबसे पहले हम प्लास्टिक पॉट में फेविकॉल लगा देंगे। यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फेविकॉल से थ्रेड जो है बहुत अच्छे से चिपक जाता है। आप ग्लू गन का यूज़ ना करें क्योंकि ग्लू गन से होगा क्या कि आपका थ्रेड जो है वो निकलने का डर रहेगा, तो आप फेविकॉल का ही यूज़ करें। हम पूरे पॉट में अच्छे से थ्रेड को इस तरीके से लगा देंगे। थ्रेड लगाने के बाद में हम इस पे ये वाइट लेस को लगाएंगे और ये लेस जो है मैंने स्टेशनरी शॉप से खरीदा है। मुझे ये 5 रुपए पर मीटर पड़ा था और मैंने सिर्फ 2.5 मीटर लिया है अपने 3 प्लांटर के लिए। इस वाले लेस को हम सिर्फ इस तरीके से नीचे वाले पार्ट पे ही लगाएंगे और ऊपर वाले पार्ट पे हम ये पतले वाले लेस का यूज करेंगे। और ये लेस भी मैंने स्टेशनरी शॉप से ही लिया है और इसकी कीमत मुझे सिर्फ 2 रुपए पर मीटर पड़ा है। इसे हम कुछ इस तरीके से वी शेप में लगाएंगे। आपको जिस तरीके का डिजाइन पसंद हो आप उस तरीके का डिजाइन इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अब हम फ्रंट पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लेस को कुछ इस तरीके से लाइन शेप में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट लुक का डिजाइन कुछ इस तरीके से दिया है और अब ऊपर वाले पार्ट पे हम इसे लगाएंगे। और इसे लगाने के लिए हम हॉट ग्लू का यूज कर रहे हैं क्योंकि फेविकॉल लगा के मैंने देखा था पर वो बार बार जो है गिर जा रहा था। तो आप भी इस तरीके का आइटम्स लगाने के लिए हॉट ग्लू का ही यूज करें। तो ये रहा हमारा फर्स्ट DIY प्लांटर बनके रेडी है। सेकेंड प्लांटर बनाने के लिए भी हम इस तरीके का 2 अलग डिजाइन का व्हाइट लेस का यूज करेंगे और साथ साथ कुछ कलरफुल पॉम्पॉम्स। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक पॉट पे हम ये व्हाइट लेस को लगाएंगे फेविकॉल के हेल्प से। दो
दोस्तों ब्लैक पॉट पे ना ये व्हाइट कलर का लेस जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। काफ़ी कम टाइम में और कम खर्च में आप अपने घर पे एक खूबसूरत सा प्लांटर बना सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लेस है उसे हम कट कर लेंगे और सेम उसी तरीके से हम ऊपर वाले पार्ट पे भी इसी लेस को लगाएंगे। इस वाले प्लांटर को रेडी करने में मुझे सिर्फ 1 मीटर का ही लेस लगा था। और अब बीच वाले पार्ट पे हम इस वाले लेस को लगाएंगे। और लेस को लगाने के लिए भी आप फेविकॉल का ही यूज करें, हॉट ग्लू का यूज ना करें, क्योंकि हॉट ग्लू से जो है वो लेस निकलने का डर रहेगा। तो अब बारी आती है ये कलरफुल पॉम्पॉम्स की। तो ऊपर वाले पार्ट पे हम इसे लगाएंगे और इसे लगाने के लिए हम हॉट ग्लू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फेविकॉल से काम नहीं चलेगा। इसे बनाने में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। काफ़ी कम समय में ये बनके रेडी हो गया था और नीचे वाइट लेस और ऊपर इतने सारे कलरफुल पॉम्पॉम्स लगाने के बाद में ये प्लांटर जो है बहुत ही खूबसूरत एंड क्यूट लग रहा था। मुझे तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो देखिए हमारा सेकेंड DIY प्लांटर भी बन के रेडी है। थर्ड प्लांटर बनाने के लिए हमें मैक्रम चाहिए, कुछ आर्टिफिशियल लीव्स और साथ साथ वही सेम व्हाइट वाला लेस। तो सबसे पहले पॉट पे हम फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगाने के बाद में हम इस पे मैक्रम पेस्ट करेंगे। और ये मैक्रम मैंने अमेजोन से परचेज किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसे हमें इस तरीके से घुमा घुमा के लगाते जाना है। और मैक्रम को हमने बस इतना ही लगाया है और अब बीच वाले पार्ट पे हम इस लेस को लगाएंगे। मैंने मैक्रम को पूरा नहीं लगाया था क्योंकि मुझे लेस लगा के कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट करना था। और अब यहाँ वाले पार्ट पे हम उस पतले वाले लेस को लगा देंगे। और मैंने तीनों प्लांटर में व्हाइट जो है ज्यादा यूज किया है, तो थोड़ा डस्ट फ्री रखने के लिए हम इसे वहीं रखें जहाँ पे डस्ट वगैरह थोड़ा कम आता हो, जैसे कि बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाएगा। और अब यहाँ बीच में हम इस ग्रीन लीव्स को लगाएंगे। ये एक आर्टिफिशियल लीव्स है और इसे मैंने स्टेशनरी शॉप से परचेज किया था लगभग 5 रुपए मीटर में ही। इसे मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट कर रही हूँ और मैं बस बीच में एक सिंगल लेयर ही इस लीव्स का लगाऊंगी। आप चाहे तो 2-3 जैसा आपको लगे उस तरीके से आप लीव्स को लगा सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का थर्ड DIY प्लांटर भी बनके रेडी है। तो आपको इन तीनों प्लांटर में से कौन सा प्लांटर सबसे ज्यादा पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट जो है वो देते रहती हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अब अगले हफ्ते कुछ बेहतरीन आइडिया के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।